भैरव भगवान की मूर्ति खुले स्थान में स्थापित की जाती है क्योंकि ये हैं तंत्र के देवता। घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। मान्यता है कि मूर्तियों से घर पर भगवान की विशेष कृपा रहती है और परिवार सुखी रहता है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने घर में प्रतिमाएं जरूर रखते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पवन मनीष शर्मा के अनुसार शास्त्रों में कुछ देवता ऐसे बताए गए हैं जिनकी मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। जानिए ये देवता कौन कौन से हैं। इन देवताओं की मूर्ति घर में न करें स्थापित। भैरव महाराज शिव पुराण के अनुसार भैरव भगवान शिव जी के ही अवतार हैं। शिव जी के अवतार होने के बावजूद घर में इनकी प्रतिमा रखना अशुभ माना जाता है। भैरव भगवान की मूर्ति खुले स्थान में स्थापित की जाती है। ये तंत्र के देवता हैं। इनकी पूजा खास तौर पर तंत्र कर्म के लिए की जाती है। तंत्र कर्म घर के बाहर ही किए जाते हैं, इसीलिए घर में भैरव महाराज की स्थापना नहीं की जाती है। भगवान नटराज, कई लोग घर में सुंदरता की दृष्टि से नटराज की मूर्ति रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही आकर्षक दिखाई देती है। नटराज की मूर्ति में शिव जी का रौद्र यानी क्रोधित रूप दिखाई देता है। शिव जी को क्रोधित स्वरूप घर में रखने से अशांति बढ़ती है। जो लोग शिव जी के क्रोधित स्वरूप के रोज दर्शन करते हैं उनके स्वभाव में भी क्रोध बढ़ने लगता है। शनि देव ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश और क्रूर ग्रह कहा गया है। यही ग्रह हमारे कर्मों का फल प्रदान करता है। सूर्य पुत्र शनि देव की मूर्ति घर में रखना अशुभ माना जाता है। इनकी पूजा घर के बाहर किसी मंदिर में ही करना चाहिए। इनकी मूर्ति घर में लाने से बचना चाहिए। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। ये असुर थे और इन्होंने देवताओं के साथ अमृतपान किया था, इस कारण ये अमर हो गए। राहु सिर है और केतु उसका धड़। राहु ने भगवान विष्णु की भक्त की जिससे ये भी देवताओं की श्रेणी में आ गया। ये दोनों ही ग्रह क्रूर माने गए हैं। इनकी पूजा घर से बाहर करना ज्यादा शुभ रहता है, इसीलिए इनकी मूर्तियां घर में स्थापित नहीं की जाती हैं।